आईपीएल के दूसरे सीजन में भी चेन्नई का प्रदर्शन काफी ज्यादा शानदार रहा है। टीम अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही है, लेकिन इस आईपीएल में चेन्नई के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उनके स्टार खिलाड़ी बन रहे हैं। जी हाँ, टीम के स्टार बल्लेबाज और मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना इस सत्र में लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में धोनी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। सुरेश रैना का प्रदर्शन इस आईपीएल में बेहद ही निराशाजनक रहा है। आपको बता दें, रैना उन बल्लेबाजों में से एक है जो हर सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाते आए हैं। उन्होंने अपना आखिरी अर्धशतक भी 10 पारी बाद लगाया। ये उनके अर्धशतक दिल्ली के खिलाफ आया था, उन्होंने 54 रन बनाया था। इसके बाद अगर उनके स्कोर पर नजर डाले तो उन्होंने कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं किया है। ऐसे में कभी चेन्नई की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी रहे सुरेश रैना परेशानी बनते जा रहे हैं। ऐसे में धोनी के सामने एक समस्या खड़ी हो रही है। चेन्नई के पास रैना के विकल्प के तौर पर रॉबिन उथप्पा और पुजारा और एन जगदीशन जैसे बड़े खिलाड़ी भी हैं। रैना की वजह से ही वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में धोनी उनके खराब फॉर्म को देखते हुए मौका दे सकते हैं। उथप्पा 3 नंबर या सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि T20 क्रिकेट में पुजारा अभी तक खुद को साबित नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका खेलना तय नहीं है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन कर रही है, अगर सुरेश रैना प्रदर्शन ना भी करे तो भी उनकी टीम में जगह बनती है। सुरेश रैना जैसे मैच विनर खिलाड़ी बड़े मैच में शानदार प्रदर्शन करते आए हैं और प्लेऑफ में जब टीम पहुंचेगी तब बड़े मुकाबलों में बड़े रन सुरेश रैना के बल्ले से जरूर निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जानकारी चाहते हैं आज का आईपीएल मैच कौन सी टीम जीतने वाली है, तो आपको इसकी प्रिडिक्शन की जानकारी एक्यूरेट प्रिडिक्शन सुल्तान क्रिकेट प्रिडिक्शन करने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर इनके दिए हुए स्क्रीन पर, इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएंगे। सुल्तान क्रिकेट प्रिडिक्शन से आप सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि टॉस कौन सी टीम जीतने वाली, किस टीम को इस मैच में पूरी तरीके से जीत हासिल होने वाली है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं।